ये बहुत ही पुरानी बात है। एक जंगल में एक शेर अपने प्रजा के साथ बहुत ही खुश था। वो खुद को राजा होने पर बहुत ही गर्व करता था। एक बार राजा शेर खान ने अपने मंत्री बिल्लू को अपने पास बुलाया और जोर जोर से हंसते हुए कहा, देखा मंत्री, मेरे राज्य में आज तक कोई भी भूखा नहीं रहता है और ना ही किसी को कोई तकलीफ है। यही है राजा का असली धर्म। तभी मंत्री बिल्लू ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज आपको कैसे पता चला? आपके राज्य में सब खुशी से जीवन बिताते हैं, आप तो कभी भी अपने गुफा से बाहर नहीं निकल कर जाते हैं। महाराज आप अपने गुफा से बाहर निकलिए और जंगल में जाकर अपने प्रजा का हालचाल पूछिए। एक असली राजा वो होता है जो अपने प्रजा के पास जाकर हमेशा उसके सुख दुख में साथ देता हो। शेर खान को मंत्री बिल्लू का बात सुनकर बहुत ही गुस्सा आया और गुस्से से लाल पीला होकर बोला, तुम्हें क्या लगता है मैं अपनी प्रजा का मन की बात नहीं समझता हूँ? ठीक है, मेरे साथ कल चलो। एक प्रजा की मन की बात राजा कैसे बिना बोले ही समझ जाता है। उसका अगले दिन सूरज की पहली किरण जैसे ही जंगल में पड़ा, राजा शेर खान ने अपने सारे सेना के साथ मंत्री बिल्लू को लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल का रास्ता बहुत ही शांत था और आसमान में गुनगुनाते पंछी उड़ रहे थे। राजा शेर खान को ये लग रहा था राजा के स्वागत के लिए सारे पंछी आसमान में गुनगुनाते हुए उड़ रहे हैं और साथ ही साथ उनका स्वागत कर रहे हैं। सर्दी का मौसम होने के कारण जंगल में हरियाली ही हरियाली था। जंगल का भ्रमण करते हुए राजा को बहुत ही सदियां बीत चुका था। राजा को जंगल में घूमते हुए देखकर आसपास के सारे जानवर आकर भीड़ में जमा हो गए और साथ ही साथ राजा को देखकर सब प्रणाम करने लगे। ये सब देखकर राजा शेर खान अपने मन ही मन फूला जा रहा था। अचानक राजा का नजर दूर बैठे एक पत्थर के ऊपर एक खरगोश के ऊपर पड़ा जो सर्दी के कारण बहुत ज्यादा कांप रहा था। राजा शेर खान ने अपने मंत्री बिल्लू को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें बताता हूँ एक प्रजा का मन की बात राजा कैसे समझता है। उसके बाद शेर खान और उसके सारे प्रजा मिलकर उस खरगोश के पास गए। बहुत ही ठंड के कारण वो खरगोश ठीक तरह से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। ये देखकर राजा शेर खान ने अपने सेनापति को बोलकर एक मोटी सी चमड़े का कंबल उस खरगोश को दे दिया। ये सब देखने के बाद जंगल का सारा जानवर राजा शेर खान का जय जयकार करने लगे। उसके बाद राजा शेर खान अपने जय जयकार सुनते हुए गुफा की ओर बढ़ने लगा। चलते चलते रास्ते में राजा बिल्लू को पूछा, देख लिया बिना बोले ही प्रजा की मन की बात मैं कैसे समझ गया? इसी को बोलते हैं असली राजा। ये सब सुनने के बाद भी बिल्लू ने राजा को कुछ भी नहीं कहा, मन ही मन मुस्कुराने लगा। बिल्लू का ये बर्ताव देखकर राजा बहुत ही गुस्से हो गए। रात भर बिल्लू का मुस्कुराने के बजाय राजा को पता नहीं चला आखिर इसका क्या वजह है। रात भर राजा सो नहीं पाए। उसके अगले दिन राज दरबार पर बिल्लू को बुलाया गया। राजा शेर खान ने बिल्लू को देखते हुए पूछा, कल तुमने क्यों मुस्कुराया? उसका जवाब मुझे दो, मैं तो अच्छा ही काम किया था, फिर भी तुम क्यों मुस्कुराए? ये सुनने के बाद भी बिल्लू कुछ भी जवाब नहीं दिया। राजा को बहुत ही गुस्सा आ गया और सारे राज्यसभा में राजा ने ऐलान कर दिया कि कल सुबह होते ही बिल्लू को इस जंगल से तड़ीपार कर दिया जाएगा। उसका अगले ही दिन जंगल का सारे जानवर आकर एकजुट हो गए ये देखने के लिए आज मंत्री बिल्लू को जंगल से तड़ीपार कर दिया जा रहा है। राजा शेर खान ने बिल्लू को उसकी आखिरी इच्छा पूछते हुए बोले, तुम जाते वक्त अपने साथ में क्या ले जाना चाहते हो? बिल्लू ने बहुत ही गंभीर आवाज से कहा, महाराज मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, अगर आप दे सकते हैं तो एक चीज मांगता हूँ। उस दिन खरगोश को जो आपने चमड़ी का कंबल दिया था वही कंबल मुझे चाहिए। हाँ अगर आप दे सकते हैं तो। मंत्री का ये बात राजा को कुछ हजम नहीं हुआ, फिर भी जो भी हो राजा का इज्जत का सवाल था। राजा ने जंगल से उसी खरगोश को अपने पास बुलाए और बोलने लगे, खरगोश भाई उस दिन जो मैं आपको कंबल दिया था वो कंबल प्लीज मुझे वापस कर दीजिए, उसके बदले में आपको जो चाहिए मैं आपको दूंगा। राजा के मुंह से ये बात सुनने के बाद खरगोश बहुत ही घबरा गया और घबराते हुए कहा, महाराज वो कंबल तो मैं अगले ही दिन बाजार में बेच डाला और उसी से मिले हुए पैसे से मैंने खाना खा लिया। दरअसल मैं 3 दिन से कुछ खाया नहीं था, भूख के मारे मैं कांप रहा था। ये सब सुनने के बाद राजा को बहुत ही गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन पूरे सभा में जंगल के सामने राजा अपने गुस्से को शांत करते हुए मंत्री बिल्लू को पूछा, आखिर तुम क्या साबित करना चाहते हो? बिल्लू ने शेर खान को देखते हुए कहा, महाराज मुझे कुछ साबित करने की या बोलने की जरूरत नहीं, जो भी बोलना मैं चाहता था वो खरगोश खुद ही बोल दिया। दरअसल उस दिन खरगोश को कंबल की नहीं खाने की जरूरत था, मैं उस दिन आपको बोलने ही वाला था, मगर आप अपने घमंड में इस तरह से डूबे थे कि दूसरों के बाद आप सुनने के लिए तैयार भी नहीं थे। असली राजा अपने प्रजा के साथ मिलकर उनका हालचाल पूछना चाहिए,
तभी जाकर उनको पता चलेगा किसी को क्या तकलीफ है। ये सब सुनने के बाद राजा शेर खान को अपनी गलती का एहसास हो गया। वो मंत्री बिल्लू के ऊपर बहुत ही प्रसन्न हुए और उस दिन के बाद राजा शेर खान रोज जंगल में घूमते थे और सारे प्रजा का क्या तकलीफ है पूछताछ करते थे। उस दिन के बाद जंगल में कभी किसी को कोई तकलीफ नहीं रहा। ये कहानी से सीख, किसी को देखकर उसके तकलीफ का अंदाजा हम नहीं लगा सकते हैं, उसके साथ बात करने के बाद ही हमें उसका तकलीफ पता चलता है।